जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो लेमन होता है उसको काटने के बाद उससे खून कैसे निकलता है, वो कौन सा मंत्र है जिसको पढ़ने के बाद लेमन को काटने से उसके अंदर से खून निकलने लगता है। दोस्तों हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो लेमन को काट कर खून निकालते हैं और उसके बाद बताते हैं कि ये खून निकलना आप शगुन है और उसके बाद उसे शगुन में बदलने के लिए आपसे कुछ पैसे लेते हैं। तो दरअसल आज हम उस मंत्र को समझेंगे, आज हम उस पूरे साइंस को समझने का प्रयास करेंगे कि लेमन को काटने से खून किस प्रकार से निकलता है। तो दोस्तों जब लेमन कटता है तो उससे खून निकलता है, इसके पीछे क्या कोई मंत्र है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नहीं, कोई मंत्र नहीं है इसके पीछे। इसके पीछे का एक लॉजिक है, एक कारण है, एक साइंस और एक केमिस्ट्री है। दोस्तों आज हम इसके पीछे के एक केमिस्ट्री को समझते हैं। दोस्तों लेमन के अंदर जो चीज पाया जाता है वो एसिड होता है। एसिड अगर बहुत सारे लोगों को समझ में ना आ रहा हो तो उन्हें मैं बता दूं कि एसिड का मतलब तेजाब होता है। जो नॉर्मली आप लोग तेजाब का नाम सुनते हैं जिससे कि बाथरूम क्लीन करने में जिसका प्रयोग किया जाता है उसे एसिड बोलते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा तो फिर लेमन को खाने के बाद तो जीभ जल जाना चाहिए। तो लेमन एक कमजोर एसिड होता है, वीक एसिड होता है, उसका उतना प्रभाव नहीं होता है जितना कि एक हार्ड एसिड का होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड टाइप का। लेमन के अंदर में एसिडिक एसिड होता है जो कि वीक एसिड होता है, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव तो नहीं होता है, लेकिन हाँ एसिड का कैरेक्टर इसके अंदर तो होता ही होता है। दोस्तों अगर आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एसिड जो होता है वो जब रिएक्ट करता है हिबिस्कस के साथ, चाइना रोज के साथ, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये चाइना रोज की जो तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये जो चाइना रोज होता है जब हिबिस्कस के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो वो लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों सवाल ये पैदा होता है आखिर हम इसे करेंगे कैसे, इस एक्सपेरिमेंट को हम करके कैसे देख सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को हम करके भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? एक चाकू लेंगे और चाकू के ऊपर हिबिस्कस का जूस हम लगा देंगे, ठीक है। एक नाइफ के ऊपर हिबिस्कस का जूस निकालेंगे, इसको पीस के, और पीसने के बाद जो जूस निकलेगा वो चाकू के ऊपर लगा देंगे, और उस चाकू से जब नींबू को काटेंगे तो जो चाइना रोज का जूस होता है वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो लाल हो जाता है बिल्कुल खून की तरह, और ये पूरी तरह से लाल हो जाएगा नींबू, और जो नींबू नीचे नींबू के को जब हम दबाएंगे तो जो उससे रस बाहर निकलेगा वो लाल रंग का निकलेगा और आपको ये देखने में लगेगा कि वो ब्लड है। दरअसल वो ब्लड नहीं होता है, वो एसिड का चाइना रोज के साथ हुआ एक रिएक्शन होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर पूरा वीडियो समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारी ये मुहिम और लोगों तक पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।